यूट्यूब चैनल आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो PWD की तरफ से वैकेंसीज आई हुई है और यह वैकेंसीज बहुत ही अच्छा आप लोग का रहने वाला है। अगर आप लोग ITI BTEC या डिप्लोमा की हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया वैकेंसीज है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंडमान पब्लिक वाटर वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज आई हुई है और ग्रुप बी की पोस्ट आप लोग का नॉन गेजेट में निकाली गई है और ग्रुप सी की भी निकाली गई है। इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को टिप दीजिएगा। इसके PDF मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आर्किटेक्चर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर निकाली गई है। लेवल 7 आप लोग का पेमेंट मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा आप लोग का पेमेंट है। ये परमानेंट जॉब आप लोग का रहने वाला है। असिस्टेंट आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर लेवल 6 है। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए लेवल 6, आप लोग का जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आप लोग का लेवल 6 रहेगा। और यहाँ पर आप लोग का ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो आता है पोस्ट वो भी दिया गया है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए, ड्राफ्टमैन ग्रेड 3rd के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी और सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर डिटेल ऑफ वैकेंसीज की बात कीजिए, कितना कितना वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर के लिए 1 पोस्ट है आप लोग का, असिस्टेंट आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के लिए 2 पोस्ट है आप लोग का, और यहाँ प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 2 है। जूनियर इंजीनियर जो है वो लोग के लिए स्टूडेंट के लिए 85 यानी 85 वैकेंसीज है। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 12 पोस्ट है और ड्राफ्टमैन ग्रेड सी के लिए आप लोग का 11 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 4 पोस्ट है और सुपरवाइजर के लिए 10 है। कैटेगरी वाइज डिवाइडेड किया गया है, जिस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग का देख सकते हो नीचे आने के बाद यहाँ पर हम लोग क्वालिफिकेशन आप लोग का देखिए ऑल इंडिया वैकेंसीज है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी स्टेट से हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आप लोग अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हो या नहीं भी किए हो तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात किया जाए तो देखिए इसका लास्ट डेट जब है, ठीक है, इसका लास्ट डेट तक रहेगा, उस तक आप लोग अगर आप फॉर्म आप लोग मतलब आप लोग का क्वालिफिकेशन आ जाता है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 18 से लेकर 33 ईयर वाले, यहाँ पर जो कि आर्किटेक्चर असिस्टेंट आर डिपार्टमेंट आर प्लानिंग जूनियर इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 30 ईयर्स दिया जाएगा, यानी 30 ईयर आप लोग का एज लिमिट है। ड्राफ्टमैन के लिए, ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए और सुपरवाइजर के लिए 18 से 33 है और 18 से 38 ईयर दिया गया है, जो कि आप लोग देख लाए, ठीक ना। क्लोजिंग डेट से आप लोग का यहाँ पर जोड़ने वाला है क्वालिफिकेशन, ठीक है, और एज लिमिट। यहाँ पर इनिशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों का जो दिया गया आर्किटेक्चर असिस्टेंट के लिए जो आप लोगों का पोस्ट है उसमें आप लोगों का क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट आर्किटेक्चर से होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या असिस्टेंट आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के लिए आप लोगों का ग्रेजुएट होना चाहिए और उसमें आप लोगों का 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री आप लोगों का प्लानिंग में होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसी प्रकार और भी दिया गया तो वो आप लोग अपना देख लेना। यहाँ पर आप लोगों का जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर दिया गया और इसमें आप लोग का डिप्लोमा या डिग्री है तो अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी आप लोग का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। इसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी डिप्लोमा या आप लोग डिग्री है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग का ड्राफ्टमैन सिविल के लिए आप लोग का मेट्रिकुलेशन आप लोग का मांगा गया है, 12th आप लोग का है, या ड्राफ्टमैन सिविल इंजीनियर में आप लोग का 6 मंथ का आप लोग का रहना चाहिए सर्टिफिकेट, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग का ड्राफ्टमैन 3rd इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर आप लोग का देख सकते हो, इसमें 6 मंथ का आप लोग का मांगा गया, 2 ईयर का आप लोग का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें भी, ठीक है। तो आप लोग का ITI होना चाहिए, सुपरवाइजर के लिए आप लोग का मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, 2 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए सुपरवाइजर का, 6 मंथ का आप लोग का सुपरवाइजर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग देख लेना, अगर क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आते हो तो अप्लाई करना यार, ठीक है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि आप लोग के लिए फ्रेशर वालों के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहा है। यहां पर आप लोग का लिस्ट ऑफ स्पॉट ये है तो आप लोग इसकी मत देखो, ठीक है, ये आप लोग के लिए नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। सबसे बड़ी बात है कि एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई भी रिक्वायर्ड नहीं किया गया, 0 है, यानी आप लोग अप्लाई करो, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला। यहाँ पर बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन और रिटेन एग्ज़ाम की बारे में। तो यहाँ पर आप लोग का देख सकते हो एक रिटेन एग्ज़ाम यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, उसके बाद आप लोग का पेपर सेट इंग्लिश
ओनली यानी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो कि आप लोग का जो फर्स्ट में पूछा जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। 80 क्वेश्चन आप लोग का टेक्निकल का रहेगा और आप लोग का एक मार्क का और 80 टोटल मार्क का रहेगा। और इंटेलिजेंस जी रीजनिंग ये आप लोग का 10 क्वेश्चन 10 मार्क का, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क का, 2 घंटा का आप लोग का समय दिया जाएगा जो CPT एग्जाम होगा। उसके बाद आप लोग का स्कीम आप लोग का यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कितना पे 0.25 पे आप लोग का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला। तो ये आप लोग का यहाँ पर लिंक हम ऐसे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई आप लोग का 17/8/22 से स्टार्ट हो चुका है यानी आज के डेट से ही, और 16/9/2022 को आप लोग का लास्ट 5 बजे तक ही रहेगा। तो अगला मंथ तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बट आप लोग अभी देख रहे हो तो आप लोग अभी अप्लाई कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और व्हाट्सअप ग्रुप में प्लीज़ ज्वाइन हो जाइएगा। ऑल इंडिया जो भी वैकेंसीज आती है आपको इस चैनल के माध्यम से सटीक और सही से मिलता है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।